हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर ऑफ सेवन्थ क्लास न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो हमने फोटोसिंथेसिस को डिटेल में स्टडी कर लिया था। इसमें बताया गया था आपको कि ये ग्रीन प्लांट्स में ही होती है, मतलब जिनमें क्लोरोफिल होता है। अब हम देखेंगे उन प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होगा जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। तो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो दे आर अनेबल टू प्रिपेयर देयर फूड बाई देमसेल्फ, सो दे डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर फूड। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट कैटेगरी हैं जिनको अब हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास है पैरासिटिक प्लांट्स। पैरासिटिक प्लांट को हम हिंदी में परजीवी बोलते हैं, मतलब जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे सर्वाइव करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, इनको पैरासाइट्स कहा जाता है। एंड दिस प्लांट्स ऑन विच दिस पैरासिटिक प्लांट सर्वाइव आर कॉल्ड द होस्ट। मतलब होस्ट वो प्लांट होगा, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो ये जो येलो कलर की जो बेल है, कसकटा है, ये अमर बेल इसको बोलते हैं, ये दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ जाती है और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करती है। तो फर्स्ट इसमें मोड था पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकेंड इसमें आता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इनको इंसेक्ट ईटर्स कहा जाता है। कुछ प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट खाते हैं, इसमें एक पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर होता है, देखिए मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, जो उसके ऊपर एक लिड लगी होती है, ठीक है, वो लिड पिक्चर को ओपन और क्लोज करने के काम आती है। ये देख सकते हो आप लिड, दो एग्जांपल इसमें दिए गए हैं, वो लिड ओपन एंड क्लोज हो सकती है। तो ये क्या करता है, एक ट्रैप सेटअप करता है टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। जैसे इंसेक्ट आएगा लिड बंद हो जाती है और पिचर के अंदर वो जो एंजाइम्स हैं वो सिक्रीट हो जाते हैं, और सिक्रीट होने के बाद इंसेक्ट अंदर ही मर जाता है। मतलब वो जो प्लांट होगा वो इंसेक्ट से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेगा। तो ये एग्जांपल्स थे इंसेक्टिवर्स प्लांट्स के। लेफ्ट में आपको नेबेदेंसिस दिखाया गया है, इस साइड आपको राइट साइड में डिस्चिडिया दिखाया गया। थर्ड कैटेगरी इसमें आती है सेप्रोट्रोप्स। सेप्रोट्रोप्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड एंड डीकिंग मैटर पे अपना डिपेंड करते हैं न्यूट्रिशन के लिए। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म्स को सेप्रोफाइट्स कहा जाता है, ऐसे प्लांट्स को सेप्रोफाइट्स कहते हैं। अब हम देखेंगे जो सेप्रोफाइट्स हैं वो अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करते हैं। जैसे ही उनको कोई डेड एंड डीकिंग मैटर मिलता है, सेप्रोफाइट्स क्या करने से शुरू कर देते हैं, डाइजेस्टिव जूस क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। फिर वो उस मैटर के साथ मिक्स हो जाता है, एक सॉल्यूशन बनाता है, और उसी सॉल्यूशन से ही सेप्रोफाइट्स क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। इसमें आपको एग्जाम्पल बताया गया फंजाई का। तो फंजाई में जैसे अपना कोई ब्रेड या अचार या रोटी ख़राब हो जाती है, उसके ऊपर जो आप ये देखते हो ये फंजाई होती है। इसमें दो कैटेगरी आपको बताई गई, ईस्ट एंड मशरूम, ये दोनों सेप्रोफाइट्स के अंडर आएंगे। तो जैसे उसको हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट मिलता है, वो ख़राब होकर उसके ऊपर ग्रो करना शुरू कर देती है, ठीक है। दूसरा इसमें फिर नेक्स्ट कैटेगरी जो आपके पास है वो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। मतलब ऐसे दो ऑर्गेनिज्म जिनको एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा हो, उस एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। जैसे इसमें फंजाई का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, कुछ फंजाई होती है जो पेड़ों की रूट्स में रहती है, वो फंजाई ट्री से न्यूट्रिशन ले रही है और इसके बदले में वो उसको मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रही है। दूसरा इसमें बेस्ट एग्जांपल आप लाइकन का दे सकते हो। लाइकन देखने में एक ऑर्गेनिज्म लगेगा, बट एक्चुअली में वो क्या होती है, दैट इज़ द क्लोज एसोसिएशन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म, वन इज एल्गी एंड अदर इज द फंगस। अब एल्गी में क्लोरोफिल होता है, वो फूड सिंथेसाइज कर सकती है, तो एल्गी फंजाई को फूड बना के दे देती है, फंजाई इसके बदले क्या करती है, एल्गी को वाटर मिनरल्स एंड शेल्टर प्रोवाइड करती है। तो इसमें देखो दोनों को फायदा हो गया। तो ऐसी एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं,
सिम्बायोटिक एसोसिएशन या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, मतलब दो ऑर्गेनिज्म है, दोनों को एक दूसरे से क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो नीचे आप डायग्राम में देख सकते हो। इसके बाद फिर आता है रिप्लेंसिंग द सोयल विद द न्यूट्रिएंट्स। तो पहले हम देखें क्यों ज़रूरी क्यों है। तो जो आपने क्रॉप्स लगाई है या आप कोई जो पेड़ लगाया है वो सोयल से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है, तो वो कंटिन्यूसली वो ऑब्टेन करता रहेगा। तो एक टाइम आएगा जब सोयल में उसकी कमी हो जाएगी, तो उसकी पूर्ति करने के लिए हमें उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो इसमें हम जनरली क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र या मैन्यूर ऐड करते हैं। इनमें फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सोयल के अंदर ऐड हो जाते हैं। और एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम, ये सोयल में प्रेजेंट होता है और ये प्लांट्स की रूट्स में प्रेजेंट होगा, और उनको प्लांट्स को नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ठीक है, और ये कौन से प्लांट्स की जड़ों में पाया जाता है, पीज है, बीन्स है, ग्राम्स है एंड लेग्यूम्स है, इनकी जड़ों में पाया जाएगा। इसको भी आप बोल सकते हो ये भी सिम्बायटिक रिलेशनशिप का एक एग्जाम्पल है। तो इन ऐसे प्लांट्स में आप कह सकते हो फार्मर्स को फर्टिलाइजर ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। ये डायग्राम में आप देख सकते हो, ये आपको नीचे राइजोबियम दिखा रखा है रूट नोड्यूल्स में। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने में प्लांट की हेल्प कर रहा है और प्लांट इसको न्यूट्रिशन दे रहा है। तो आई होप आई एम क्लियर। तो स्टूडेंट्स आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब आप अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।